हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स पढ़ रहे थे हम डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक से, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्रीज। नई बुक में जीएसटी वाले कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, जिसकी जनरल एंट्री के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, वहां पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ओके, अब हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज सब डिवीजन ऑफ जनरल, तो हम आज बेसिक समझेंगे इसके। अब आगे के वीडियोस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ऐप पर ही मिलेंगे, तो यहाँ यूट्यूब पर मैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, और इनके जो क्वेश्चन हैं वो अब एप्लीकेशन पर मिला करेंगे, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। अभी कोर्स का प्राइस बहुत कम है, बाद में हो सकता है कि बढ़ जाए। चलिए स्टार्ट करें। तो हमें पढ़ना है सब डिवीजन ऑफ जनरल, कैश बुक देखेंगे इसमें। अब पूरी चीज ध्यान से समझिएगा, तो देखिए जरा सब डिवीजन ऑफ जनरल। देखिए हमने स्टार्टिंग में भाई जनरल एंट्री पढ़ लिया था, राइट, 11th क्लास में आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा होगा। अब जनरल एंट्रीज के बाद होता क्या है, अगली स्टेप में हम सब डिवीजन बनाते हैं। इसका सब डिवीजन क्यों बनाते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है, वो समझाऊंगा मैं। तो पहले इसके हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई क्या बिजनेस में अकाउंटिंग का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ध्यान से देखिए। तो हमको कौन कौन सी बुक्स जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो एक्चुअल में हम इसको छोटे लेवल से समझते हैं, बिल्कुल एक शॉपकीपर जैसे। अब आप कहेंगे सर आजकल तो सब कंप्यूटराइज होता है, भाई आपको बेसिक सीखना है ना, तो आज के 40 साल पहले 50 साल पहले जो अकाउंटिंग होती थी वहीं से बेसिक सीखोगे आप, है ना। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं, कोर्स सीखने के लिए पुराने पैटर्न पे चलना पड़ेगा। तो पहले के जमाने में, या आप जमाना ही बोलेंगे उसको, तो भाई पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेस है ओके, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली मेंटेन करते थे। पहला रजिस्टर वो जाके एक दुकान से खरीदते थे जिसका नाम होता था जनरल, ओके। अब ये जनरल की कहानी ना मैं आपको बाद में और भी बताऊंगा अच्छे से। एक दूसरा रजिस्टर खरीदते थे, बोलते थे भाई एक रजिस्टर और दे दो, जिसका नाम होता था कैश बुक, ओके। कैश बुक में भी वो 3 अलग अलग टाइप्स की कैश बुक बनाते थे, वो हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। एक तीसरा रजिस्टर खरीदते थे जिसका नाम होता था परचेज बुक, और ये सारी चीजें मैंने खुद देखा हुआ है ड्यूरिंग ऑडिटिंग के दौरान। हम लोग ये सब सारी बुक्स आज भी मैनुअली मेंटेन होती हैं, भले ही टैली में अकाउंटिंग करें या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, बट सारी बुक्स मैनुअली भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक बुक हो गई परचेज बुक, इसके अलावा एक बुक हो जाएगी हमारी सेल्स बुक हो जाएगी। जनरली कितने बुक्स मेंटेन होती हैं वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक बुक हो जाएगी भाई कौन सी, परचेज रिटर्न। परचेज अगर हमने गुड्स रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न की बुक हो जाएगी। फिर ऐसे ही 6 नंबर पे आ जाएगी सेल्स रिटर्न की बुक हो जाएगी। ध्यान से सुनना है आपको, ओके। दो बुक्स और मेंटेन करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि ये रेयरली होते हैं, 7 और 8 कर देता हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक, ओके। फिर 9th नंबर की जो बुक होती है जिसको कि जनरल कहते हैं, या उसको हम जनरल प्रॉपर नाम देते हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर मतलब ये जनरल प्रॉपर ही जनरल है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये सब डिवीजन ऑफ जनरल में जो जिस नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसको वहां रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर सेल्स बुक है, मान लीजिए कोई उधार बेचा है, क्रेडिट सेल्स है, तो उसको हम कहां रिकॉर्ड कर देंगे भाई, सेल्स बुक में। क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में चला जाएगा, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे, बीआर और बीपी से रिलेटेड कोई चीज है तो यहाँ एंट्री करेंगे, ओके। कैश ट्रांजेक्शन है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे अकाउंट्स जो है वो वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी एंट्रीज करना है। तो सब डिवीजन में आपको ये सारी बुक्स पढ़ना है, लेकिन अब क्योंकि हम बीकॉम के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो भाई ये सेल्स बुक परचेज बुक के क्वेश्चंस इन्होंने 11th क्लास में ही आपको पढ़ा दिया था बेसिक अकाउंटिंग में, तो बीकॉम में नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ आपको सब डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, कैश बुक के बारे में पढ़ना है। क्लियर हो गई ये बात, ओके। अब कैश बुक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा देता हूं, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो वो है 90%, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन कैश बुक का पूछा जाता है, बिल्कुल बीकॉम में भी, 100% नहीं लिख रहा हूं मैं, 90%, वो भी कौन सा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इतना आसान नहीं पूछेगा, बीकॉम में पूछ रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा।
अब कैश बुक समझने के पहले हमको बिल्कुल बेसिक लेवल पर चलना पड़ेगा, जो कि क्लास 11th में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन अभी कराना नहीं है, मुझे सिर्फ समझाना है। भले ये वीडियो आधे घंटे की हो जाए, तो आपको कैश बुक समझना है। क्वेश्चंस अगर आप YouTube में फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इन वीडियोस को देख करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, तो अभी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक से पूरे क्वेश्चंस करने हैं, तो भाई फिर बहुत कम प्राइस रखा है मैंने, आप कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ये होना है कि आप कितनी बार भी उन वीडियोस को देखिए, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, इसी एफर्ट के साथ कराऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके, नाउ कैश बुक का कॉलम एक बार देखें। कैश बुक, अब भाई कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कॉलम एक डेट का भी बना लेते हैं, ठीक है? तो चलिए ये हो जाएगा डेट का कॉलम। दिस इज पर्टिकुलर्स, यहाँ पर पर्टिकुलर्स हो जाएगा। एक बीच में एक कॉलम और आता है, इसको आप नाम दे सकते हैं वाउचर नंबर, या फिर LF भी दे सकते हैं, ठीक है? अगेन द सेकेंड कॉलम इज डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम आप ड्रॉ करिए वाउचर नंबर। अब आप कहेंगे सर ये वाउचर नंबर होता क्या है? भाई जब आप कैश में पेमेंट करते हो, तो एक रसीद काट के देते हो, आप उसको ही रसीद नंबर या वाउचर नंबर कहेंगे, ठीक है? फिर यहां पर आ जाएगा अमाउंट, यहां पर ये डेबिट साइड हो जाएगा, दिस वन इज क्रेडिट साइड। कैश बुक का सिंपल सा बेसिक फंडा क्या है वो समझिए। कैश बुक में दो चीजें सीखना है आपको। पहली चीज, भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है? और दूसरा चीज, आपको इसका बैलेंसिंग करना सीखना है। तो हमें कैश बुक में सिर्फ दो ही चीजें सीखना है, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। ओके, अब पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, वो पहले हमें उसकी जनरल एंट्रीज ही बनानी होती है, डायरेक्टली कैश बुक में नहीं आएगा, है ना? पहले हम जनरल एंट्रीज के थ्रू ही उसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम एंट्रीज करेंगे, फिर यहाँ लेजर में ला के पोस्ट करते हैं। तो अब इस पोस्टिंग का रूल क्या है? यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड करने हैं, कोई भी क्रेडिट मतलब उधार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। पहला रूल यही हो गया कैश ट्रांजेक्शन। नाउ कैश ट्रांजेक्शन का सिंपल सा रूल है, यहाँ लेजर में रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब यहाँ बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, कि अगर हमारे पास पैसा आता है, कम्स इन होता है, पैसा आएगा, तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान से सुनना है, दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। ओके, पैसा आएगा तो कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे भाई? डेबिट साइड में। और पैसा हमारे पास से अगर जाएगा, हम कौन है? बिजनेस है। अगर हमारे पास से पैसा जाएगा, गोज आउट होगा मनी, तो मनी आउटफ्लो होगा, तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। हर ट्रांजेक्शन में आपको यही देखना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर कम्स इन होगा तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, गोज आउट होगा तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये पोस्टिंग का रूल था। नाउ सेकेंड, आपको क्या सीखना है? बैलेंसिंग करना, कि भाई बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अकाउंट्स में एक रूल होता है, और ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, सपोज दिस इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड, यहां पर ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं 200 रुपए, 300 रुपए, और यहाँ पे 80 रुपए और 70 रुपए। अब हमको इनकी बैलेंसिंग करनी है। पहले दोनों साइड हम ऐसे डबल कॉलम खींचेंगे। नाउ जिस साइड का टोटल ज्यादा हो, पहली स्टेप ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये बच्चों वाली चीज सिखा रहा हूं आपको मैं, भाई आप पूरा 11 12 पढ़ के आए हैं, फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी बीकॉम करते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर ये है, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले वहां का टोटल करो। तो यहां में डेबिट का ज्यादा है, तो ये 500 डेबिट, और यहां भी यही आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ अब आपको यहाँ का क्रेडिट का टोटल भी इतना ही होना चाहिए, तो जो डिफरेंस बच रहा है वो लिख दो। तो भाई यहाँ इन दोनों का टोटल हो रहा है 150, तो 500 में 150 घटाओगे तो 350 बच जाएगा, दैट इज योर बैलेंस। तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे इसको किस नाम से? बाय बैलेंस CD। अब ये CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब बैलेंस को आगे ले जाना, उसको CD के नाम से लिखते हैं, ठीक है? नाउ अच्छा, ये जो यहाँ पे 350 बैलेंस बचा है, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ये 350 रुपीज का जो बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है? नाउ कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे। देखिए, मुझे सब मालूम है कि स्टूडेंट्स को डाउट कहाँ पे आता है, खासकर बीकॉम फर्स्ट ईयर लेवल पे, है ना? चलो बताओ जरा, ये 350 जो बैलेंस यहाँ क्रेडिट में लिखा है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे सवाल पूछ रहे हो आप,
भाई क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन मेरा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी के नाम से बैलेंस जाना जाता है। तो ये 350 रुपीज डेबिट बैलेंस है, क्लियर हो गया? क्यों भाई, डेबिट का टोटल ज्यादा था इसलिए ये डेबिट बैलेंस होगा 350 रुपीज, क्लियर हो गया ना? ओके, अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई बेसिक। कैश बुक में कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी फर्स्ट सिंपल कैश बुक। अब हम देखते हैं कि इसी में आगे क्वेश्चन मिलेगा, डबल कॉलम भी मिल सकता है, तो डायरेक्ट मैं ट्रिपल कॉलम के बारे में ही बताता हूँ आपको, ठीक है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, भाई मतलब यहां पर समझो क्या होना है। यहां पे कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन आ जाएगा, कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन आएगा, उसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? ट्रिपल कॉलम में, अब ट्रिपल कॉलम में कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन मतलब एक ही जनरल एंट्री में हमारा कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस इफेक्टिव होंगे, उसी को हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहेंगे। आप कहेंगे सर ये ट्रिपल कॉलम नाम क्यों रखा? क्योंकि भाई यहाँ पे ना एक डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाता है, इसीलिए उसको ट्रिपल कॉलम कहते हैं। अगर डिस्काउंट का कॉलम नहीं है तो यही डबल कॉलम हो जाएगा, और डिस्काउंट वाले में कुछ समझाने लायक नहीं है, इसलिए आपको मेन ये समझना है, क्लियर है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में अगर आया तो यही आएगा। बच्चों को समझ में कौन सा नहीं आता है? यही वाला नहीं आता है। तो हम पहले बात करते हैं कि ये समझ में क्यों नहीं आता है, ठीक है? पहले भाई मैं ये समझा दूं कि आपको क्यों नहीं समझ में आता है, क्या कारण है इसका, ठीक है? उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है? तो देखिए ये समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको कॉन्ट्रा एंट्री यहां पर होना है। अब कॉन्ट्रा एंट्री का बेसिक भाई क्लियर नहीं होता, यहां कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट गेम भी होता है, मोबाइल में खेलते थे पहले, तो अब वो तो है नहीं, तो कॉन्ट्रा एंट्री करना है, कॉन्ट्रा एंट्री भी समझ में नहीं आती है, इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी नहीं बनेगा। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं आप, तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं आपको। द फर्स्ट थिंग इज दैट ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कैश और बैंक दोनों ही प्रभावित होते हैं, प्रभावित मतलब उनके बैलेंसेस में असर होता है, तो जिसमें कैश एंड बैंक बोथ प्रभावित होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें ध्यान रखना है कि जिसमें कैश और बैंक दोनों पे के बैलेंसेस पे असर हो, उसी में कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन भाई लिमिटेड है, दो तीन ट्रांजेक्शन ही है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऐसा कौन सा हो सकता है? डिपॉजिटेड इंटू बैंक, ओके, पैसा बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड इंटू बैंक। अगर आपको एंट्री में लिखा है बैंक में पैसा जमा किया, तो इसका असर कैश और बैंक दोनों पे पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे पड़ेगा, आप बताइए सर, आप तो बता रहा हूं मैं। देखिए डिपॉजिटेड इनटू बैंक में पैसा हमारा गया हमारे पास से, तो ये मान लीजिए कैश बुक है, और कैश बुक के यहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे हम भाई यहाँ, क्यों? क्योंकि पैसा गया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, बैंक में गया, तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ेगा, और बैंक का बैलेंस जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो एक ही एंट्री से दोनों के बैलेंसेस प्रभावित हुए हैं, इसीलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये जो था इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है? तो दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ होगी सर, वो भी समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देता हूँ मैं भाई, दूसरी एंट्री जो कॉन्ट्रा की करना है वो विड्रॉ की करना है, ठीक है भाई? विड्रॉ फ्रॉम बैंक, लो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से हमने पैसे निकाले हैं तो यहां पर भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब आप कहेंगे सर इसका भी हमको रीजन समझाइए कि कैसे कॉन्ट्रा एंट्री होगी यहाँ पे। बिल्कुल समझा रहा हूं मैं, बैंक से पैसे निकाले हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, तो कैश का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना? फिर बैंक से हमने पैसे निकाले हैं तो क्योंकि बैंक का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। तो ये भी एक केस था जहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होना है। दो ही केसेस हैं भाई, सिर्फ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक थर्ड पॉइंट है जिसको मुझे समझाने में ना मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगता है, ओके? थर्ड भी पॉइंट है और आखिरी है ये, इसके अलावा कहीं कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होना है पूरी बुक्स में। नाउ भाई ये जो तीसरा है ये चेक वाला मामला है। क्या आप कहेंगे सर चेक वाला मामला कैसे? देखो मैंने जनरल एंट्री में भी बताया था, कई बुकों में अलग अलग होता है, हम डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक को ही लेके चलते हैं, या पूरा इंडियन लेवल पे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना है भाई। फर्स्ट यहां पे क्या होता है कि चेक के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, आपको सिर्फ इतना लिखा है कि मोहन से चेक मिला, ठीक है? तारीख है मान लीजिए 10 जनवरी की, 10 जैन, ओके? चेक
चेक मिला। अब क्या होगा, ये चेक मिल गया तो भाई इस चेक को हम क्या करेंगे, तो इसको हम जब एंट्री करते हैं बुक्स में, क्योंकि इस चेक को बैंक में अभी जमा नहीं किया है, हमारा बैंक का बैलेंस अभी बढ़ा नहीं है, तो इस चेक को हम एक्चुअल बुक्स में कैश ट्रांजेक्शन मान के रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, कैश ट्रांजेक्शन मान के रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसको, आप कहेंगे सर हम तो वो भी समझाइए कैसे करते हैं। भाई आसान है, आप इसको कैश मान लीजिए ना, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री हो जाएगी। मतलब कैश बुक में हम इसको कहाँ दिखा देते हैं, पैसा आया मान करके डेबिट साइड में एंट्री कर देते हैं, टू मोहन करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, सुनिए ध्यान से, 10 जनवरी की घटना थी ये। मान लीजिए उसने बोला है 12 जनवरी को कि मोहन का चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ध्यान से सुनिए, ये ट्रांजेक्शन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, ये कॉन्ट्रा एंट्री भाई कॉमर्स में लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको नहीं बनती है, ठीक है ना। आप कहेंगे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, देखो मैं इस फील्ड से बहुत दिनों से जुड़ा हूं, मुझे बिल्कुल मालूम है, मैं अकाउंटिंग भी करता हूं और सीए के ऑफिस में भी पूरा काम देखता हूं, तो मुझे पता है भाई कैसे लोग ग्रेजुएट होके आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, इसीलिए लोग इग्नोर कर देते हैं, बट आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप सीखिए, आपको ये भी सीखना चाहिए, ठीक है। नाउ लिसन, तो ये कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया हमने, कैश बुक अकाउंट में हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या देता है, यहाँ पे लिखा रहेगा 12 तारीख को मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मोहन का चेक हमने बैंक में जमा किया। तो ध्यान से सुनना है, यही सबसे टेक्निकल है भाई, जब मोहन का चेक बैंक में जमा कर दिया ना, तो क्योंकि हमने उस चेक को कैश माना था, तो इसका ट्रीटमेंट अब हम किसकी तरीके से करेंगे पता है, अब इसका ट्रीटमेंट हम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक जैसा करेंगे। समझ में आ गया, आप कहेंगे सर ये बात हुई ना, अब समझ में आया हमको, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की तरह करने का मतलब कि यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री होना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रा क्यों होगी भाई यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे कैश का बैलेंस कम करना पड़ेगा और बैंक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए, मैंने बताया मेन तो दो ही पॉइंट होते हैं, ये तीसरा चेक वाला पॉइंट था जो कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनिए, मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे पढ़ो ना यार कि आप एक्सपर्टाइज लेवल लेके आओ उसमें, सिर्फ सवाल एक दो सवाल आप फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, है ना। मैंने कभी भी, सही बता रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैंने कभी भी कैश बुक नहीं किया है एक भी क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट, ठीक है, सच बता रहा हूं मैं आपको। मतलब मैंने कैश बुक का एक भी क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट नहीं करा है। मैंने 11th क्लास कॉमर्स में पढ़ा ही नहीं था, मैंने 12th क्लास से कॉमर्स पढ़ा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर में कैश बुक में ऐसे ही काम चल गया, फिर मैंने एमकॉम किया, डबल एमकॉम किया, वहां पे भाई कोई जरूरत होती नहीं है। एक्चुअल में मुझे ये क्यों सीखना पड़ा, जब मैं सीए का एंट्रेंस एग्जाम सीपीटी दे रहा था, वहां पे तो भाई एक एक चीज जरूरी होती है ना पढ़ना, तो वहां पे मैंने ये सीखा, सिर्फ वहां पर सीखा, वहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, एक बार मैं, एक बुक है सीए में डॉक्टर अशोक सहगल की बुक है शायद, मैं उस बुक को सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था, मैंने ऑफिस में बैठे हुए जब आर्टिकल शिप चल रही थी उसी दौरान सिर्फ उस बुक से एक क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन कैश बुक का देख लिया था, बस समझ में आ गया। अब मैं पढ़ाता हूँ और सारे क्वेश्चनों के जवाब आते हैं, क्योंकि भाई रीजन सबके मालूम है, तो सेम अप्रोच आप भी अडॉप्ट करिए एज अ स्टूडेंट। कई बार आपको उसमें दिक्कत भी आ सकती है, तो आप हर चीज समझने की कोशिश करिए, है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही है, फॉर्मेट आपको बनाना आता ही होगा कैश बुक का। अगर आपको कैश बुक के सारे क्वेश्चन डॉक्टर एच एम सुखी की बुक से करना है, तो भाई जो ऐप है उसका नाम क्या है, कॉमर्स मेंटोर के नाम से ऐप है, उसका नाम बदलने वाला हूं मैं, अमित द्विवेदी क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करिए कोर्सेस जो है, क्योंकि भाई बीकॉम पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं फ्री में सारा यूट्यूब पर तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी उसलिए, इसलिए उसको पेड रखा है। तो ऐप पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, वहां पे कोर्स है, बाय करिए और पूरा बीकॉम पढ़िए, ओके। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।